आपके घर में अभी चोरी हुई थी, क्या है पूरा मामला? सर हमारे घर हम लोग निमंत्रण के लिए गए थे, टाइम 10 बजे के टाइम पर हम वापस आए, देखा घर में सामान उतरा पड़ा हुआ था। जब देखा तो हमारे मतलब सोना और चांदी दोनों चीज़ें गायब थी। तत्काल हम श्री सिटी कोतवाली थाने में गए और वहाँ पर जब जाने के बाद सर सभी लोगों ने हमारी तुरंत आगे कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जब इधर उधर देखा तो नीचे हमारी एक जीने की मटेरियल उसमें पूरा सामान उपलब्ध हुआ। किस में रखा हुआ था सोना जी? लॉकर में। चोरी ताले तोड़ दिए गए थे क्या? कैसे चुराया गया था ये सामान? नहीं, चाबी से खोला गया था। तो कुल मिला के आपको कोई संभावना है कि आपके घर में चोरी हुई थी, कि घर का ही कोई सदस्य हो सकता है? सर अब तो हम दो लोग तो बाहर थे निमंत्रण के लिए। घर पे कौन था? बच्ची और मैडम। कितना सोना होगा लगभग? ऐसा होगा 17-18 तोले सोना होगा और चांदी। और चांदी कितनी? चांदी करीब आधा किलो करीब। तकरीबन कितने रुपए का ये माल होगा जी? रेट के हिसाब से प्रेजेंट कैसे होगा? फिर भी पुलिस को क्या धन्यवाद दोगे, पुलिस के सहयोग से जो आपका सामान क्षण भर में ही मिल गया? धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और तत्कालीन कार्रवाई की जिससे हमारा सामान उपलब्ध हो गया। आपने आवेदन दिया है कोतवाली में? अभी नहीं। 10 बजे के लगभग अग्रवाल कॉलोनी में एक पीड़ित के यहाँ 18 से 20 तोला सोना और आधा किलो के लगभग चांदी चोरी हो जाती है। और क्या है पूरा मामला सर? रात को तकरीबन 10 बजे सुनील यादव जो फरियादी हैं अग्रवाल कॉलोनी के निवासी हैं वो थाने पर आए। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग निमंत्रण के लिए गए हुए थे तो हमारे घर में तकरीबन 18 तोला सोना और करीब आधा किलो चांदी कोई चोरी करके ले गए। हम तत्काल मौके पर आए और चार तरफ से उनका जो घर है हमने इसको चार तरफ से घेरा और अच्छी तरह से पूरी कॉलोनी में तलाशी ली और इनके घर के भी पूरी अच्छी तरह से तलाशी ली। तो इनके मकान के नीचे जो भंडरिया बनी हुई किसी चोर ने पूरा सामान भाई झोले में छुपा के और वहाँ उसके अंदर रख दिया था भूसा के अंदर छुपा के। तो हमारे पुलिस बल के द्वारा पूरा अच्छी तरह तलाशी ली गई और भूसा में से उस पूरे सोने को ढूंढकर निकाला गया और इनकी पहचान कराई गई। उनके द्वारा 100% रिकवरी होना बताया कि यही हमारा पूरा सामान। किसी के खिलाफ इन्होंने आवेदन दिया, किसी के विरुद्ध FIR की गई क्या? नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं हुई है और अग्रिम कार्रवाई चाहेंगे। क्या नाम है? सुनील यादव फरियादी।